हाँ नमस्ते सर जी, क्या नाम सर आपका? हमारा गमेर भाई। गमेर भाई कहाँ से सर आप? राजस्थान, राजसमंद जिला है। अच्छा अच्छा, तो कितने घोड़े लाए अभी सारंगखेड़ा में? 6 घोड़े लाए। अच्छा, तो इसके बारे में बताओ ना थोड़ा हमें। इसका नाम हंसनी है। हंसनी घोड़ी? घोड़ी है, संजाब कलर की। अच्छा, 7 साल की है। हाँ हाँ, बच्चे देने वाली है, 3 बच्चे दे चुकी है अभी वापस। शुगर है? अच्छा, क्या प्राइस वगैरह लगाई इसकी? इसके 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये। हाइट कितनी आएंगी सर इसकी? 63। दांत पूरे कर गई ना अभी? तो उम्र पूरी है। 7 साल। अच्छा, कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है जिन अश्व मालिकों को इस डांस कॉम्पिटिशन के लिए। तो इसके बच्चे के रिजल्ट कैसे आते हैं? अच्छा, जैसे घोड़ा पर जैसे होते हैं। अच्छा, ओके। दो संजाब कलर के थे, एक नुकरा था। अच्छा, बिजली का नाम ही बिजली है, वो है ही बिजली जैसे। अच्छा, काम में भी बिजली होंगी? काम में बिजली है, नाचती है। अच्छा, नाच काम के? बहुत काम करते। अच्छा अच्छा, तो क्या उम्र वगैरह इसकी? बच्चे अभी भी दे रही है, 5 साल की है। 5 साल की। एक बच्चा दे चुकी है अभी, ये भी सुपर है। अच्छा, और हाइट कितनी आएंगी इसकी? 62। तो अभी कुछ बढ़ने के चांसेस है क्या? बराबर है, आप हो गए पूरे, दांत पूरे करके होंगे। अच्छा, क्या प्राइस लगाई इसकी? इसके 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये। बिजली? अच्छा, तो ये थोड़ा उसको जख्म हो गई क्या? हाँ, ये आँख पे लग गई है गाड़ी में। अच्छा अच्छा, तो ट्रीटमेंट वगैरह चालू चल रहा है इसको? दो भवरिया कलेश, कलेश जल कलेश बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। ये बछड़ी है 20 महीने की। अच्छा, 20 महीने की। ओहो, इन्हें आदंत में अभी तो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये पिछले दो पैर शायद एक ही पैर है और तिलक है ना? टीका है बहुत। और कान की कनौती भी बहुत सुंदर है इसकी, मिलाती है बहुत कंडीशन से मिलाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हाइट कितनी है अभी इसकी? 60 है अभी तो बहुत बढ़ेंगी। 63 या 64 तो आराम से ही हो जाएंगे। नहीं है बराबर बराबर। क्या प्राइस लगा इसकी? ये 6.5 लाख की बेची है सर। बेच दी? कहाँ पे दी है? पुना जा रही है। पुना, तो इसके ऑनर अभी यही है क्या? जी सर, वो चले गए। अच्छा, बाद में आप भेजेंगे इसको? अभी आज जाएगी भर के। ओके, तो ऑनर ने खुद गाड़ी वगैरह भेजी होंगी आपको? हाँ जी, उन्होंने गाड़ी भेजी। अच्छा अच्छा, ओके। अगले से एक बार स्टार्ट करो। हाँ, बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, 4.5 साल की एज है। अच्छा, 64 की हाइट है। स्टेलियन ही है क्या ये? स्टेलियन है। तो ये ब्रीडिंग के हिसाब से? ब्रीडिंग के हिसाब से। अच्छा अच्छा, मुंह पे ग्लेज है? हाँ, मुंह पे ग्लेज है। दो और पैर पीछे के दो सफेद है ना? बहुत बढ़िया। इसका क्या नाम है सर? देवगुरु। देवगुरु। अच्छा, तो आपके स्टड फर्म का भी नाम देव नारायण से? देव नारायण से। अच्छा अच्छा, तो ये आपका जो स्टड फार्म है इसका सबसे बेस्ट स्टेलिंग यही है क्या? क्या और भी घर पे है? और घर पे 16 घोड़ा घोड़ी और है। हाँ हाँ हाँ, स्टेलियन में अभी यही है, जैसे ये और एक उधर और है पारस घोड़ा। अच्छा अच्छा, जो पंजाब में विनर रह चुका है ये वो वाला। अच्छा, और ये इसको अभी कहीं नहीं लगाया है। अच्छा अच्छा, काफी मस्कुलर और हाइट भी बहुत आलीशान का है। अच्छा, आलीशान ब्लड लाइन का है। अच्छा, ओके ओके। तो इसकी माँ का नाम कुछ अननोन थी? तो इसे कोई ज्यादा लाइन से नहीं थी, लेकिन कंडीशन की अच्छी थी। अच्छा अच्छा, 63 की हाइट थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया है। तो आप कितने दिन से आप मेले में आए थे? मेले को शायद आप लास्ट लेट आए थे शायद ना? हाँ, 14 तारीख का करीब आए। हाँ हाँ, वही, क्योंकि आपके मैंने भी वीडियो देखी थी। अच्छा, बढ़िया है ये सबसे। इसके सब जितने भी आपके जो देव नारायण स्टड फार्म के जो हॉर्स है, इसमें सबसे शाइनिंग का यही घोड़ा है। इसका अलग ही है। अच्छा, इसको कौन सा कलर बोल सकते हैं? उम्मीद है हो जाएगा ये। अच्छा, महुआ कलर हो जाएंगे है ना? ये भी महुआ कलर बहुत यूनिक रहता है, बहुत कम घोड़ों में आता है शायद। और महुआ कलर सबसे ज्यादा शायद काठियावाड़ी में आता है। काठियावाड़ी में, मारवाड़ी में कलर में तो आजकल हर जात में मिल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ये बहुत यूनिक बहुत है। 1,11,00,000 का बिका हुआ प्रभात घोड़ा, प्रभात लाइन का ये? अच्छा अच्छा, डायरेक्ट प्रभात का है। जी सर। ओके ओके, दो पांव सफेद है, माथे में बारी हल्का सा टीका है। अच्छा अच्छा, लेमन है, बाल बबरी का प्रेस है। ओके, इसकी हाइट कितनी है? 62। 62 सारंगखेड़ा में
28 मंथ का है, यानी अभी दो दांत कर लिए क्या? कर रहा है दो दांत, यानी पूरे नहीं हुए। अच्छा अच्छा, बहुत ही बहुत प्यारा घोड़ा है ये। क्या प्राइस लगा इसकी? 9 लाख में। तो इसकी कुछ अभी कीमत वगैरह लगेगी क्या? आ रहे क्या? नहीं, ये बाल्टी है, बात हो रही है। अच्छा अच्छा, बिकेगा ये भी। चलो, आपके सब घोड़े जाते जाते सब बिक जाए, यही हम शुभकामना करेंगे। और ये इसके बारे में बताओ अभी। ये इटालियन पारस घोड़ा है। अच्छा, ये कौन से लाइन का आएगा? ये सुल्तान लाइन से, जो हमारे उदयपुर में पैलेस लाइन। हाँ, उदयपुर पैलेस लाइन, बराबर। सुल्तान घोड़ा था, उसका पोता है। अच्छा अच्छा, यानी ये भी ब्लड लाइन का ही है। इसकी क्या हाइट आएंगी सर? 65 है। बहुत बढ़िया। ये पूरा ब्लैक और सिर्फ टीका है शायद, है ना? यानी राज तिलक बोल सकते इसको हम। कान की कनौती भी बहुत सुंदर है इसकी। तो ये भी बेचने के हिसाब से आप क्या शो के लिए लाए? नहीं, बिक्री के ही है। क्या रेट लगा इसका? 16 लाख रुपए बनता है। इतने हाइट है, 64 हाइट है, तो बहुत 65 है। बहुत बढ़िया। सर, आप सारंगखेड़ा मेला में पहली बार आए हो क्या? घोड़े लेके पहली बार आए हैं ना, क्योंकि मैं 4 साल से विजिट कर रहा हूँ आपको, मैं इस मेले में पहली बार देखा। घोड़े लेके पहली बार। हाँ, जैसे आते रहते। बराबर। तो सर, आपका नंबर और नाम फिर से एक बार। जमेर भाई नाम है। हाँ, नंबर है सर 6376। हाँ, 9373। ओके। हमारे यूट्यूब चैनल के लिए आपने जो मालूमात दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।